खड़ी आंदू, हाँ खड़ी आंदू वो पक जाएगी, ठीक पक है, जाएगी, आदमी लगा टुरा के उसको सुखे दो, बहुत बढ़िया। सुखे के उसको दबा के रख दो, और जब आपको भाव मिलेगा तो अच्छे भाव मिल जाए। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक मिर्च के खेत में आए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 2.5 से 3 बीघा में मिर्च की खेती की गई है यहाँ पर। और जो हमारे साथ किसान, उन्होंने बताया कि इस मिर्च को जब लगाया था तो बहुत अच्छी लगी थी, बीच में लेकिन मौसम परिवर्तन के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आज स्थिति फिर से संभल चुकी है। और आज हम उनसे बात करके जानना चाहते हैं कि इतने बीघा में जो लगाया हुआ है, कैसे लगाया था और कितना खर्चा इसमें आया था, और आमदनी की क्या उम्मीद है इन्हें। दादा क्या नाम है? खरगाई कुशवाहा। कहाँ से हैं? बमहरी सुहागी। अच्छा, बमहरी सुहागी से। आपके अनुसार 2.5 से 3 बीघा में आपकी मिर्च लगी हुई है? हाँ, 2.5 से 3 बीघा में। तो ये कब लगाई थी, कब इसकी शुरुआत की गई थी? ये लगाई थी हमने दीपावली के पहले कुआ में, नौ दिन में। जी जी, हाँ। तो इसको लगाने की विधि क्या है? कोई किसान लगाना चाहता है मिर्च की खेती इस तरह, तो कैसे लगाएगा, शुरुआत कैसे करेगा? शुरुआत बढ़िया खेत बनाओ, खाद भी डालो, इसमें गोबरा खाद डालो, गोबरा खाद डालने के बाद बढ़िया जमीन बनाओ, नानी जमीन बना के बढ़िया साया बनाओ, बढ़िया और फिर उसका पौधा रोपण करो। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब इसको आपने लगा लिया, हाँ। तो कितने दिन में ये तैयार हो जाती है, प्रथम फल 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 दे देते हैं? 2.5 से 3 महीना में इसका पहला फल मिल जाता है। हाँ, पहला फल 2.5 से 3 महीना में। तो इसको लगाने में कितना खर्चा आया लगभग? इनके लगाने में हमको 30 से 40 हज़ार का खर्चा है। 3 बीघा के? 3 बीघा। हाँ, 30 से 40 हज़ार का खर्चा आया है। हाँ। पानी क्या स्थिति होती है, कब कब पानी लगाना पड़ता है? पानी तो मौसम के जाइए पानी देने पड़ता अभी है। आज गर्मी है, अभी तो गर्मी तो समय के कब देते हैं पानी? तीसरे दिन या चौथे दिन पानी देने पड़ेगी। अभी तो हर 3-4 दिन पानी, हाँ, इसमें लगाया जाता, हाँ, है। अच्छा, अब आप बात आती है कि आपने खेती की है, 30-40 हज़ार रुपये भी लगाया, इनकम क्या इनकम अभी तक हो चुकी है इसमें और कब तक होती रहेगी? अब तक ऐसा है कि हमने एक तो निकाल ले, जो पूंजी हती वह निकाल चुकी जी फुल। अब जो हमारे है मौसम के जाइए तो दृश्य हो गया ना, था दूना चौगना फायदा होता हमें उसमें। तो कौन कब नुकसान कब हुआ था इसमें? जी अभी कोयला पाया गया था महीने में, जी मौसम गड़बड़ होगा जी, हाँ, कोयला हुआ था, कोयले की जाइए होगा, ओले पाए गए। अच्छा, फिर ओले भी गिरे? ओले भी गिरे, उससे नुकसान हुआ, उससे नुकसान ज़्यादा हो गया है। नहीं तो फायदा इसकी डबल टेबल हो, हाँ, डबल टेबल फायदा होती। और जी ऐसा धंधा भी है, पका है, अपना पको भी बेच डाओ और कच्चो भी बेच डाओ, जैसे कोई भाव रेट कम रहे तो आप खयान बना के इनको सुखे सकते हो और अपनी दवा की कोई बेपाई से इकट्ठी बेच सकते हो। अपने हरी मिर्च को सुखा के बेच सकते हैं अपन? नहीं, लाल करके, नहीं इसको सुखा के लाल मिर्च बना के, हाँ, सूखी मिर्च बेच सकते हैं। मंडी में भाव कम है, रेट कम है, रेट कम है तो मिर्च को खड़ी आंदू, खड़ी आंदू वो पक जाएगी, पक जाएगी, आदमी लगा टुरा के उसको सुखे दो, सुखे के उसको दबा के रख दो, और जब आपको भाव मिलेगा तो अच्छे भाव मिल जाएंगे। जब घर पर रखी जाती है, हाँ, खराब नहीं होती? नहीं होती है खराब, यानी दो फायदे इसमें, आप सुखा के बेच सकते हैं इसको, हाँ, और ऐसे भी बेच सकते हैं, हरी भी बेच सकते हो और लाल भी बेच सकते हो, इसको सुखा, यानी कहीं ना कहीं फायदा है, फायदा है इसमें। अच्छा, इसके अलावा कुछ और करते हैं आप खेती? नहीं, हमने कछुआई खेती के अलावा कछुआ का है तो नहीं कहते, मिर्च ही लगाए, कुछ और भी लगाते हैं? मिर्च लगाए हम, शिमला लगाते हैं हम, अचार वाली मिर्च लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं हम, तुरैया फतकोल, मतलब 2.5-3 बीघा में जितनी सब्जी है थोड़ी थोड़ी उगाते हैं, यानी मुख्य रूप से सब्जी का व्यापार, हाँ, आप कर रहे हैं, हैं। तो फायदा है, फायदा है। तो ये थे बमहरी मोहन जी, की एक हमारे साथ किसान, जिन्होंने बताया कि इसमें जो पूंजी लगाई गई थी वो पूंजी निकल आई है और अब जो फायदा आगे दिखाई दे रही है वो आप लोगों के सामने है। बने रहे किसान पिटारा के साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।